ఏరేసిలో రుచులు ఏ ఓ రెస్టారెంట్ गुड आफ्टरनून व्यूअर्स, या अभी जो आपने इसके पहले आज जो इसके पहले के दिन जो आपने वीडियो देखा, ये उसका कंटिन्यूएशन पार्ट है। मैं आके हैदराबाद पहुंचा, हैदराबाद में रूम लिया एंड उसके बाद वो रूम चेकआउट कर दिया। एक ही दिन के लिए लिया था, जो फ्रेशन अप हो गया एंड हमने होटल चेंज कर दिया। अभी हम लोग मेन रोड पर ही रह रहे, फैब होटल है तो बहुत अच्छा, ये मेट्रो के आसपास है एंड मेन सिटी में। अभी हुआ है दोपहर का 1:45, भूख लगा है। सुबह मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट हुआ था और उसके बाद मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट हुआ था, ब्रेकफास्ट के बाद अभी लंच टाइम हो गया। अभी हैदराबाद है तो हैदराबादी ऑथेंटिक फूड ट्राई करना है। तो अभी लकीली जो होटल में हम लोग रह रहे, वही होटल के नीचे ही एक फेमस रेस्टोरेंट है, अभी उसका नाम मैं भूल गया, मैं नीचे जाके दिखाता हूँ। अगर व्लॉग करने का उधर ऑप्शन होता है तो मैं करूँगा। रेस्टोरेंट में पहुँच गए, रेस्टोरेंट का नाम है रेलसीमा रुचुलू करके रेस्टोरेंट है, ऑथेंटिक तेलुगु क्यूजिन रेस्टोरेंट है। उस पर लिखा है 2003 से है, मैंने गूगल पे देखा तो बहुत अच्छा था, बाद में समझ में आया अपने होटल के नीचे ही है ये, उनका एक मेन होटल का एक डिवीजन है। अभी हम लोगों ने यहाँ पे थाली ऑर्डर दिया हुआ है वाइफ के लिए, विंसी के लिए थाली ऑर्डर दिया हुआ है क्योंकि उसको वेज खाना, उनका तबीयत भी ठीक नहीं है एक्चुअली सबका, कल नींद नहीं हुआ है तो थोड़ा तकलीफ है। एंड मैं मेरे लिए एक पाया सूप बोला हुआ है एंड स्टार्टर में एक आरआर स्पेशल कोड़ी करके चिकन का स्टार्टर ऑर्डर किया हुआ है। एंड हैदराबाद है तो डेफिनेटली बिरयानी, तो बिरयानी में मैंने आंध्रा कोड़ी दम बिरयानी आंध्रा स्टाइल में है, ट्राई करेंगे। है तो 3-4 दिन है तो ऑटोमेटिकली अलग अलग जगह हम लोग ट्राई करेंगे। चलो फटाफट आ गया, उन्होंने ऑर्डर दिया, हार्डली 2 मिनट लगा, फटाफट आया। अभी पाया सूप भी आया हुआ है, ये चिकन का स्टार्टर जो आरआर कोड़ी मंगाया वो है, चिकन को फ्राई किया हुआ है एंड उसके साथ लपेटा है, काजू है, वो सब है, तो अच्छा टेस्ट है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी नहीं है एंड फ्राई सूप का भी टेस्ट अच्छा है। बिरयानी आना बाकी है, वेज थाली का रिव्यू बाद में देते हैं। पीस डालना चलेगा। पीस कम आएगा देखा, वीडियो चालू था तो फायदा होता, चिकन का पीस कम आया था तो लेके आने के लिए गया है। बिरयानी जो है ना टोटल अलग स्टाइल है, आंध्रा बिरयानी बोला पहले बोला था ना स्पाइसी होगा करके, स्पाइसी तो है एंड इसके अंदर अपना नॉर्मल बिरयानी के जैसा कांदे का लपेट कांदे का फ्राई करके जो बनता है वैसा सब नहीं, कुछ अलग स्टाइल है। इसमें मसाले में पालक बिलक है बोला एंड ग्रीन कलर में है, बहुत अच्छा लगा। चिकन का मैरिनेशन बहुत मस्त, सॉफ्ट चिकन है, खाने में मज़ा आया।
निकल के आ रहा है, ये देखो ऐसा निकल के आ रहा है, इतना सॉफ्ट चिकन है, इतना सॉफ्ट चिकन है ना, मानना पड़ेगा। मैंने सो अंडा भी है लेकिन अंडा डोमिनेट कर रहा है उसको, एंड ऊपर से कांदा फ्राई करके ऊपर से डाल दूंगा। तो वेज का मजा लिया जा रहा है, हमारा बेबी ने खा लिया है। क्या अच्छा लगा? दाल दूसरा एक बात ये बोलना था कि आंध्रा फूड बहुत थिक्का है, बहुत मतलब ईसा बहुत अपना नॉर्मल, मेरे लिए तो बहुत थिक्का था क्योंकि मैं इतना थिक्का खाता नहीं है। बिरयानी बहुत अच्छा था लेकिन थिक्का ज़्यादा था तो इसकी वजह से पूरा नहीं खा पाया। बट अभी हमने डेजर्ट्स का ऑर्डर दिया हुआ है, खुबनी का कुछ स्वीट है, खुबनी का मिठाई, मतलब वो एप्रिकॉट का मिठाई है कुछ विद आइसक्रीम, और साथ में गुलाब जाम, ये दो चीज़ बोला हुआ है। फूड तो बहुत अच्छा है यहाँ का, कोई कंप्लेंट नहीं। अभी समझ में आया, गूगल पे सब लोगों ने अच्छा रिव्यू ही लिखा है इसके बारे में, बट तिक्का बहुत है, तिक्का बहुत ज़्यादा है। ये है एप्रिकॉट का स्वीट,